कर सकती हूँ, क्योंकि 1 घंटा में मेरे पास जस्ट 1 आवर होता है, उसके अलावा मेरी लाइफ बहुत ज्यादा बिजी है। सो उस 1 घंटे में अगर मैं अलाउ कर सकती होती तो मैं जरूर करती, बट चूंकि मैं सारी क्लास को एक साथ लेके चलना चाह रही हूँ और वैसे भी ये बेसिक कोर्स है तो आई वुड प्रेफर के वो बेसिक ही रहे, मैं इस सेंस में अलाउ नहीं कर सकती। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके जी, नेक्स्ट कोमल, कोमल कैन यू हियर मी? आपका कोई क्वेश्चन है कोमल? अगर आपका आज इंटरनेट ठीक है तो ओके मैडम। कोमल डू यू हैव एनी क्वेश्चन? या अल्लाह कोमल तुम्हारा इंटरनेट कब ठीक होगा। जी जवेरिया शकील। यस मैम। ओके जवेरिया डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो मैम। अच्छा मैं एक बात बताती हूँ, एक तो ना जब मैं सो के उठती हूँ, वैसे मेरे ख्याल में जब सारे ही सो के उठते होंगे तो उन्हें ना ऐसे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा आप हाइपर हो रहे होते हैं, अगर कोई नहीं होता तो मैं बड़ी हाइपर हो गई होती। दूसरी बात ये कि मुझे लेनी थी क्लास, ठीक है, एकदम जहन पे आपके टेंशन से आ जाते हैं ना, एक आप उसके साथ ही आपका दिमाग को आपने वर्क करवाना है, ठीक है, तो वो वैसे भारी हो जाता है। ऊपर से आप दें लेक्चर, फिर आप ये पूछे ना कि मतलब मेरी ये मेरा ये सिनेरियो है कि आप फिर पूछे स्टूडेंट से समझ आया और स्टूडेंट कहते मुझे सब समझ आया, फिर तो उसकी बाकी मेरे हाथों शामत आती कि मैं कहती हूँ बताओ, मैं क्वेश्चन जानबूझ के क्वेश्चन करती हूँ। सो जवेरिया मेरा आपसे सवाल ये है कि कम अज कम मुझे 5 ऐसे जुमले बताइए जिसमें मैं यूज ना होता हो, वी यूज ना होता हो, और अब आप मुझे उसका असर्टिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाकर दिखाएं विदाउट ट्रांसलेटिंग, जस्ट डायरेक्ट इन सिंपल इंग्लिश व्हेन यू गेट ऑल द थिंग्स। हरी अप। दे राइट्स अ लेटर, दे डू नॉट राइट्स अ लेटर, डज दे राइट अ लेटर? एंड यू सेड दे राइट्स अ लेटर, अपनी मिस्टेक खुद निकालें। दे राइट्स अ लेटर, दे डू नॉट राइट्स अ लेटर। दे राइट अ लेटर और दे डू नॉट राइट अ लेटर और डज दे राइट अ लेटर? दे डू नॉट राइट अ लेटर, डज दे राइट अ लेटर? डू दे राइट अ लेटर? Why we use do with they? Ma'am, because plural के साथ do use होता है और do not use होता है और singular के साथ does or does not. But like singular के साथ does not use होता है, पर I के साथ तो हम do लगाते हैं। I तो singular है। Why? आई के साथ हम डू नॉट क्यों लगाते हैं? ये नाम क्या है इनका? हाँ जी जवेरिया, जी जवेरिया, आई के साथ हम डू क्यों लगाते हैं जबकि आपने अभी कहा कि डज नॉट तो सिंगुलर के साथ यूज होता है जबकि आई के साथ हम डू लगाते हैं? जी जवेरिया हरी अप। मुझे एक जुमले के बाद ही पता चल गया आप जिसमें क्लियर हो ही नहीं, ऐसे मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझे बताओ कि आई के साथ डू क्यों लगाते हैं? अभी आपने कहा सिंगुलर के साथ तो हम डज लगाते हैं, तो मैं आई के साथ तो डू लगाती हूँ, सारी दुनिया डू लगा रही है, क्यों? वाई? ओके से मतलब कुछ भी बताएं, इसका एक सिंपल सा आंसर है, डू यू नो द आंसर? नो मैम। ओके जवेरिया, इसका सिंपल सा आंसर ये था कि आप, मैं अगर आपकी जगह होती तो मैं कहती मैम आपने खुद कहा था कि आई और यू दो वाहिद ऐसे सिंगुलर हैं जिनके साथ डू लगता है, ये इसका आंसर था। आई और यू तो वाहिद ऐसे सिंगुलर्स हैं जिनके साथ नहीं है जब भी, इसलिए मैं बार बार क्वेश्चंस क्यों कर रही हूँ, करना तो आपको मेरा दिमाग खराब करना चाहिए, पर आप लोग बहुत अच्छी हैं, आप लोग बस आप मुझे ऐसे शहजादियों की तरह ट्रीट करती हैं, मैडम आए लेक्चर दें चली जाए, मिस को दो ही ना कुछ जहनी अजियत ही ना दो मिस को, आपके बेसिक्स क्लियर करें आप अपने, आप खुद से क्वेश्चन किया करें कि यार मेरा कौन सा क्वेश्चन है जो मुझे अभी भी क्लियर नहीं है। आपने कहा दे राइट्स अ लेटर, इट मींस कि थोड़ा सा आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि आपने किसके साथ राइट यूज करना है और किसके साथ राइट्स यूज करना है, फर्स्ट लेक्चर है हो जाता है, इसीलिए मैं सबसे खुद क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आपके जो नहीं समझ आ रहा वो चाहे सिंपल से चीज क्यों नहीं है, इवन आप मुझसे ये भी कह देते हो
पूछ सकते हो कि मैडम इस शी के साथ क्यों यूज होता है, शी के साथ आर क्यों नहीं यूज होता। बेशक मैं इस पे डांटू सही है, कोई अकल से काम लो, लेकिन बताऊंगी तो सही ना। तो वेल जो आपने अपनी मिस्टेक्स को ठीक किया, दैट वाज रियली गुड जवेरिया, वेल डन। ओके आई विल गो फॉर अतीका नूर। अतीका प्लीज। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम, अगर हम लोग नेगेटिव में डू नॉट आई के साथ डू नॉट ही यूज करेंगे। हाँ एग्जैक्टली exactly. देखो जो तुम डू नॉट यूज करोगे ना नेगेटिव में, जिसके साथ इंटरोगेटिव में भी वो ही वाला यूज करना है, बस नॉट हटा देना है, वो चेंज नहीं होगा। ओके मैम ठीक है। आई डू नॉट और आई और यू वही जैसे दो सिंगुलर्स हैं, इन्हें फर्स्ट और सेकंड पर्सन कहते हैं, जिनके साथ प्लूरल वाला सलूक किया जाता है बस। ठीक है ओके ओके जी बुशन, सॉरी अतीका नूर। अतीका नूर हरिया। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम अतीका, एनी क्वेश्चन? मैम एक्चुअली मैंने आज से लेक्चर नहीं लिया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ज्वाइन की है क्लास। तो मैं रिकॉर्डिंग सुन के उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अगर कोई से रिलेटेड क्वेश्चन से पूछना भी मत, पूछना भी मत मुझसे गलती से। ठीक है टाइम पे आया करो मैम। आई एम सॉरी, वो एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से इश्यू चल रहा था मेरा ना, कि दूसरे कोर्स में मुझे ऐड किया हुआ था, तो वही बस इस वजह से कुछ क्लासेस भी मिस हो गई हैं। तो मैं कल इंशाल्लाह वो सारी पिछली क्लासेस लेके फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करूंगी। चलें अच्छा चलें ठीक है। वैसे कल जो है ना, मैंने भी बता दिया कि कल जो भी लोग हैं जिन्होंने जो लेट आए हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स को बेशक साइट से देख लें, रिकॉर्डिंग से सुन लें, या फिर अपना गूगल से सिंपल, मैं मुझे जब कोई नया कॉन्सेप्ट सुनना हो समझना हो ना, मैं सिंपल लिख देती हूँ कि दिस कॉन्सेप्ट इन ग्रेड सेवन, तो ग्रेड सेवन को 6-5 से स्टार्ट कर देती हूँ मैं, तो वो सबसे आसान होते हैं, तो वो इजी समझ आ देते हैं। कल मैंने इस इंग्लिश लैंग्वेज के उसमें कन्वर्सेशन में आपसे ये यूज करवाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्वेश्चन हो तो फिर कल मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके मैम ठीक है, मैं प्रिपेयर कर लूंगी। चलो ठीक है ओके जी। बुशा नौरीन। यस मैम जी। बुशरा मैंने क्वेश्चन पूछना है। ओ मैंने पूछना, आपने पूछना है, पूछे। मैम आई हैव नो क्वेश्चन। ओके देन कोई बात नहीं, आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस। ओके बुशरा, सो यस थ्री सेंटेंसेस, सिंगुलर, यूज सिंगुलर सब्जेक्ट एंड टेल मी थ्री सेंटेंसेस यूजिंग असर्टिव नेगेटिव इंटरोगेटिव। हरी अप, सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करना है। और मैं दरवाजा बंद कर दूं। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सिंगुलर, ओके हाँ क्या वो, हाँ आप सही कह रही थी, कांगी मिश्रा ही थी आई गेस। यस मैम। मैम आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। I do not get up early in the morning. Do I get up early in the morning? ठीक है, अब इसे third person singular में use करो। She get up early in the morning. Mistake. She does not get up early in the morning. आपका assertive गलत है। हाँ वो उठ गई है, उसे उठने दो, मैं कह रही हूँ assertive गलत है। रहमाना जिस 2 मिनट में अभी आपको रिप्लाई करती हूं। सॉरी मैम, शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हां वो अब सही तरह उठी है। ओके वेल डन, आई विल गो। ठीक है थैंक यू। अच्छा रहमाना शहजादी, आपका क्वेश्चन है कि मैम अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव हो तो कोई डज नॉट यूज होगा ना? जी बिल्कुल डज यूज होगा। अब देखो उसमें पता है क्या करेंगे, अगर जैसे मैं सिंपली यूज करूँ ना, डज शी ईट फूड, ठीक है, और अगर ये नेगेटिव है तो मैं लिखूंगी डज शी नॉट ईट फूड, या फिर मैं डज नॉट She eat food, या फिर अक्सर ऐसा होता है कि जब अगर दो हो ना, जैसे not भी आ रहा हो, do भी आ रहा हो, तो फिर एक सब्जेक्ट से पहले लगता है, एक सब्जेक्ट के बाद लगता है। जैसे मैं ये भी कह सकती हूँ does she not eat food, तो does पहले आएगा, फिर she आएगा, फिर not आएगा। ठीक है ये इस तरह से यूज होगा, लेकिन होगा not यूज हो सकता है उसमें भी, इंटरोगेटिव में कोई इशू नहीं है। और अगर आपको क्लियर हो गया तो एक मैसेज कर दीजिएगा, या फिर आप मुझे वैसे भी बता सकते हैं। मैम सब्जेक्ट के बाद ही नॉट यूज होगा ना? हाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज होगा, नॉर्मली ऐसा ही होता है। ओके थैंक यू मैम, वेलकम। अच्छा जी एक और क्वेश्चन था, लेट मी सी द क्वेश्चन। यस मैम, आई और यू के साथ असवेरियस ही यूज करेंगे ना? कौन है जवेरिया शकीर? आई और यू के साथ असवेरियस ही यूज करेंगे? नहीं भाई, उसी के साथ तो नहीं करना। देखो मैं बताती हूँ मैंने इसको कैसे लर्न किया। एक तरफ लिखो आई एंड यू, सबसे पहले लिखो सिंगुलर
और प्लूरल, सिंगुलर हो गए और प्लूरल हो गए. सिंगुलर कहते हैं जो एक होता है, प्लूरल कहते हैं जो ज्यादा होते हैं. ठीक है, अब प्लूरल्स में तो सारे ज्यादा आ गए, सिंगुलर में सारे एक एक आ गए. लेकिन दो वाहिद जैसे सिंगुलर्स हैं जिनको बड़ा स्पेशल ट्रीट किया जाता है. ठीक है, जैसे घर में कुछ बच्चे होते हैं जिनको खास तौर पर खासा खास ट्रीट किया जाता है, या तो सबसे बड़े वाले को या सबसे छोटे वाले. तो इसी तरह आई और यू दो ऐसे सिंगुलर्स हैं जिनको बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है, बहुत अच्छा ट्रीट किया जाता है. दो वाहिद ऐसे सिंगुलर्स हैं. फैमिली में सारे सिंगुलर रहते हैं, सारे प्लूरल्स रहते हैं एक ही फैमिली में. लेकिन उस फैमिली में जो दो मेंबर्स हैं ना सिंगुलर साइड के, आई और यू, आई कहते हैं फर्स्ट पर्सन को, यू कहते हैं सेकंड पर्सन को. फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कर रहा होता है, सेकंड पर्सन वो होता है जिससे बात की जा रही होती है. मैं इस वक्त, मेरे लिए मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, और चूंकि वैसे तो मैं सारी क्लास से ही मुखातिब हूँ, तो आप लोग मेरे लिए सेकंड पर्सन हो. ठीक है, तो ये दो जो होते हैं ना आई और यू, इन्हें प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाता है. ये सिंगुलर्स, आई और यू हैं सिंगुलर्स, लेकिन इनके साथ रूल्स सारे प्लूरल वाले अप्लाई होते हैं. और जो एस और ईएस होता है ना वो सिंगुलर के साथ यूज होता है, आम सिंगुलर. थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन कहते हैं जो जिसकी बात की जा रही हो, लाइक थर्ड पर्सन जैसे ही, शी, इट और बाकी सो ऑन. तो एस और ईएस सिंगुलर के साथ यूज होता है, और आई और यू हैं तो सिंगुलर लेकिन वो ट्रीट प्लूरल की तरह किए जाते हैं, तो उनके साथ एस और ईएस नहीं यूज होता. सारे प्लूरल और आई और यू एक जगह, सारे सिंगुलर बाकी एक जगह. हैं ये सिंगुलर्स दोनों, लेकिन ये दोनों को खास ट्रीट किया जाता है, इन्हें प्लूरल में ऐड कर दिया जाता है. ये डिफरेंस है दोनों में, इन दोनों को सिंगुलर से निकाल दिया जाता है, उन्हें प्लूरल में डाल दिया जाता है, और इन्हें वैसे ही ट्रीट किया जाता है. आई होप के अब आपको क्लियर हो गया होगा. ओके, आई गॉट जुवेरिया शकीब का मैसेज. थैंक्स. ओके, अच्छा तो एक मिनट रहते, नहीं तीन मिनट रहते, मैं दो मिनट लेट आई थी. तो ये सारा जो है ना सिनेरियो है. कोई भी चीज अपने माइंड को खुद देखा करें कि यार अब मैं यहाँ से क्या क्वेश्चन कर सकती हूँ. क्वेश्चन करते वक्त ये मैं सबके लिए कहूंगी, वैसे तो सब इस चीज का ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी कि क्वेश्चन करते वक्त ये जरूर देखा करें कि यार जो हमारे साथ जो भी सब क्लास ले रहे हैं उनके लिए डिफिकल्टी तो नहीं हो जाएगी. सो मेक थिंग्स सो इजी फॉर अदर्स, ताकि वो इजी होने के साथ साथ दूसरा पर्सन, जब आप किसी चीज को आसान सी चीज को चाहें तो मुश्किल बना दें. अब आज की एग्जांपल है कि मेरे सर ने मुझे सुबह एक कोर्स भेजा था कि आपने आज ये करना है, हमारा एक कोर्स था. ठीक है, और मैं सुबह काम करते करते लाइक मुझे थोड़ा टाइम हो गया, फिर मैं कोर्स करने बैठी. तो मैं बहुत ज्यादा टाइम लेती हूँ चीजों को, जब मैं कुछ चीज सीखने लगूँ तो मैं बहुत टाइम लेती हूँ. तो मैंने उसको आराम 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 से करी थी. तो मैं सर ही आ गए, सर ने कहा मीटिंग कर लेते हैं, मेरे से मीटिंग होना स्टार्ट हो गई, एक घंटे की मीटिंग. जैसे ने कहा ठीक है अब आप कैरी ऑन करें, 4:30 बजे आओ मुझे इसको रिपोर्ट कीजिएगा. जब मुझे पता चला मैंने सर को 4:30 बजे, 3:12 पे शायद मेरी और सर की मीटिंग खत्म हुई, मुझे पता चला मैं 4:30 बजे देना है. मैंने खुद ही निकालना शुरू कर दिया कि मैंने इसको जल्दी जल्दी कैसे करना है. मुझे पढ़ने का शौक है तो मैं वीडियो ज़रा कम देखती हूँ, मैं PDF पे फोकस करती हूँ. तो 4:30 बजे जो है ना मेरा करीबन कोर्स कंप्लीट था, मुझे उसके सारे पॉइंट्स क्लियर थे. मुझे खुद को पुश करना पड़ा, वरना अगर सर ना कहते तो मैं आराम से कल तक लेकर गई थी कोर्स को. पॉइंट इज दैट पुश योरसेल्फ, आप कर सकते हैं, सबके लिए इजी होता है ये चीज. देखो वो कोर्स जिसको मैं कह रही थी नहीं और अभी इसमें बहुत सेक्शंस है, ये आराम से ही होगा, ये आराम से ही होगा, वो आराम से होने वाला था. वो मेरा मसला था कि मेरी साइकी मुझे कह रही थी आराम से होगा, लेकिन जब मुझे पता चला मैं 4:30 बजे दिन है आंसर करना है और ये कोर्स सर को डिटेल में बताना है कि मैंने ये पढ़ लिया, देन आई पुश्ड मायसेल्फ कि भाई निकालो कोई आसान तरीका, क्या क्या चीजें इसमें ऐड कर सकती. सो द थिंग इज दैट काइंड ऑफ पुश योरसेल्फ. और ये सबसे अच्छी मुझे बात लगी रहमाना शहजादी की, कि उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया एंड व्हेन आई सेड कि भी क्लियर है तो शी डिडंट टेक्स्ट मी बैक, उन्होंने डायरेक्ट जो है ना वो अपना माइक अनम्यूट कर दिया. दैट इज रियली गुड थिंग, इट शोज योर कॉन्फिडेंस. आपकी छोटी छोटी माइन्यूटली जो आपके जो आंसर्स होते हैं ना वो मैं नोट करती हूँ, आपके जेस्चर्स को नोट करती हूँ, और फिर मुझे पता चलता है यार कौन पर्सन जो है अपनी सेल्फ एफर्ट दिखा रहा है. आप में से काफी, मतलब सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगती है कि कोई भी पर्सन, एक भी आप में से कोई एक भी ये नहीं कहता मैम नहीं मुझे नहीं आता, नहीं मैम ऐसा नहीं है. और जो ये कह रही होती है ना मैम समझ आ गया, इवन देन दे हैव आंसर. जब मैं उनसे कहती हूँ अच्छा आप जुमला बनाए तो वो कंफ्यूज नहीं हो जाती है, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, दे से यस मैम
दिस एंड दिस. Although के वो जब कहती हैं कि she get up early in the morning, वो गलत होता है. अरे जी she gets up. और एक और थी जिन्होंने कुछ गलत, ज्यादा पता नहीं मुझे याद नहीं है, मैं चूंकि लास्ट में आई थी तो मुझे इनकी बात याद थी. बट दैट इज योर कॉन्फिडेंस, दैट इज एक्चुअली द बेस्ट थिंग इन यू. सो इस कॉन्फिडेंस को हमेशा रखें और यू आर गोइंग टू लर्न सो 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 मैनी थिंग्स इन दैट लाइफ. सो लाइफ सिर्फ इंग्लिश भी खत्म नहीं होती, ये आपका जो कॉन्फिडेंस होता है ना, ये आपको लाइफ में लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा देता है. तो अपने इस कॉन्फिडेंस को जो छोटी छोटी चीजों में बिल्डअप करो, ताकि आपकी बड़ी बड़ी लाइफ की चीजों में आपका ये कॉन्फिडेंस आपका साथ दे. ये छोटी छोटी चीजों में कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत करो. छोटी छोटी चीजों में जितना कॉन्फिडेंस दिखाओगी, लाइफ के बड़ी बड़ी चीजों में खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा. सो अपने इस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करो, इस क्लास को यूज करो अपने लिए, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए, हर चीज के लिए. जितना तुम इसे यूजफुल अपने लिए बना सकती हो, मेक इट यूजफुल. And that would be best for you. Okay, it's 9:03. I would go. Inshallah, कल मैं time पे आऊँगी तो मैं जल्दी सो के उठूँगी. और कल हमारी conversation है, मैं पहले ही बता रही हूँ सबको कि कल मैंने आपको एक topic देना है और आपने उसमें use करना है present indefinite को. He doesn't walk the dog with a brother. He doesn't walk the dog with a brother. इस हरमानस में क्या पूछना है? अच्छा, और इसको आपने use करना है अपनी ये कन्वर्सेशन में प्रेजेंट इनडेफिनेट को. सो कल जब मैं क्लास लूंगी तो उसमें हमारी स्पीकिंग क्लास होगी एंड देन यू विल यूज द प्रेजेंट इनडेफिनेट इन दैट थिंग. ओके रहमाना, इंशाल्लाह ये वाला जो है ना, ये पॉइंट आउट प्लीज कर लेना, ये प्लीज पॉइंट आउट करके रखना. मैं कल क्वेश्चन पूछूंगी कि आप मुझसे पूछना क्या चाह रही हो और मैं इसका आंसर कल देती हूँ, ठीक है, जो भी पूछना चाह रही हूँ. थैंक यू सो मच. मैम पूछना कुछ नहीं था, ये सेंटेंस क्लियर किया. मैंने पूछना कुछ नहीं था, सेंटेंस करेक्ट किया, क्योंकि हमारी स्क्रीन पे ना करेक्ट सेंटेंस, तो उन्होंने सेंटेंस करेक्ट किया और आपको चैट किया. ओह आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. एक्चुअली मैं देख नहीं रही थी, मैं स्क्रीन नहीं देखती ना. यस इससे. ओके ठीक है, थैंक यू. ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच गर्ल्स, गुड नाइट, हैव अ गुड नाइट, अल्लाह हाफिज.